हेलो हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड की उन खबरों की जिसे जानने के लिए आप रहते हैं एक्साइटेड। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद इट। रिसेंटली हाउसफुल 3 की सक्सेस पार्टी में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट रही मौजूद, सिवाय फिल्म के ग्लैमर हॉट एक्ट्रेसेस को छोड़कर। लास्ट वीक रिलीज फिल्म हाउसफुल 3 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की और इसी को देखते हुए हाल ही में फिल्म के लिए रखी गई सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर फिल्म के मेल स्टार्स रहे मौजूद, लेकिन ग्लैमर की कमी खली। जी हाँ, यहाँ पर फिल्म की एक्ट्रेसेस नहीं आई, जिनके बगैर ये कॉन्फ्रेंस रही अधूरी, लेकिन कूल हैंडसम हंक रहे मौजूद, जिन्होंने सक्सेस को बिना एक्ट्रेस के साथ किया सेलिब्रेट। आपको बता दें, यहाँ पर अक्षय ने अपने सक्सेस होने का राज बताया। I choose the script, I like the script, and that's why I go ahead with it. I don't believe that I should keep myself in only one space. I can do a lot of things, and whether it's comedy or whether it's black humor or whether it's drama, thriller, action. So I just need to keep on reinventing myself, and that's the way an actor can live and increase his shelf life. और तो और, फिल्म के सक्सेस के साथ साथ रितेश के दूसरी बार पापा बनने के सक्सेस के बारे में अभिषेक बच्चन ने उन्हें दी बधाई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू रितेश ऑन द अराइवल ऑफ द लेटेस्ट देशमुख, गॉड ब्लेस, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ईरोस, टू नडियाड फॉर अ सक्सेस, एंड वी'd लाइक टू वेलकम बमन बैक, हु वेंट ऑन हॉलिडे एंड केम बैक व्हाइल वी वर प्रमोटिंग द फिल्म, and especially to Sajid Farhad for their hard work, dedication, and they're very good human beings, so you know they really reaffirm the fact that good things happen to good people. Well, Ritesh ban gaye hai papa aur is film ki success par conference bhi rakhi gayi, lekin conference par houseful nahi thi, after all stunning actress rahi jo missing. सिल्वर स्क्रीन पर जल्द मिसिंग ऑन अ वीकेंड होने वाली है रिलीज, जिसके लिए फिल्म स्टार्स की तैयारी जोरों से चल रही है। जल्द ही इन्वेस्टिंग थ्रिलर फिल्म मिसिंग ऑन अ वीकेंड सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है, जिसकी तैयारी में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आई नजर। देखिए फिल्म के सॉन्ग पर स्टार की मेहनत, टेक पर टेक लेते दिखेंगे स्टार्स। दिखने में तो ये न्यू कमर लग रहे हैं, लेकिन इनके बीच ये आइटम कौन है? अरे ये तो मरियम जकारिया है, काफी टाइम बाद इस फिल्म से बी टाउन में एंट्री कर रही हैं। इनकी अदाएं तो देखिए, और तो और यहाँ पर मैडम ने कैमरे को पोजेस भी दिए। एनीवेज, अपनी कमिंग को लेकर शी इज वेरी हैप्पी। इट्स नॉट अ टिपिकल आइटम नंबर, इट्स मोर ऑफ अ प्रमोशन सॉन्ग, सो आई एम बेसिकली performing with the main actors from the movie, and it's really fun and happy song, and yeah, I'm really happy to start again. So and even she's nervous too. I feel a little bit nervous, and it's in a positive way because it's good to be nervous, then you can give your best. But more than that, I'm very excited because I've been missing this to perform, to stay in front of the camera. अब भला इतने दिनों बाद कैमरे को फेस करेगी तो नर्वसनेस तो होगी ही। वेल, इनके साथ इस फिल्म का एक कैरेक्टर काफी नर्वस दिखा। वर्किंग विद मरियम इज ग्रेट, शी इज अमेजिंग, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, एंड यू नो वाचिंग समवन हु इज ऑलरेडी बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स अ लॉट इजीियर टू वर्क विद, एंड शी सेट्स अ ग्रेट एग्जांपल फॉर एवरीवन। पिक्चर के बारे में तो डर तो लग रहा है क्योंकि पहली पिक्चर है, बड़ी बजट, लाइक इट्स नॉट अ ह्यूज बजट फिल्म, we don't have 50 crores of marketing, aisa kuch nahi, right? So obviously I'm nervous, but of course it's my dream since I was. Jahan ye janab nervous hai, baki inke co-star apne character ko explain karte nazar aaye. I'm playing Rishabh in this movie. Thoda sa stubborn hai aur ladai jhagda bahut karta hai, lekin apne doston se pyar bhi utna hi karta hai.
और मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके लिए मैं बहुत पॉसेसिव हूँ. अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ता है तो फिर मैं उससे लड़ने झगड़ने लग जाऊँ. छोड़ देगा ना गर्लफ्रेंड. और मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे पसंद है ही, और मुझे औरों की भी गर्लफ्रेंड्स बहुत पसंद है. तो इसी से आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि फिल्म में क्या होने वाला है. आपके रोल के बारे में, ये बंदा टाइम का बहुत पाबंद है, तो इसके हाथ में घड़ी हमेशा होती है और डिजिटल वॉच रखता है. ये डांस वाले शूट के लिए नहीं है, पिक्चर के शूट के लिए होती है. डिजिटल वॉच रखता है क्योंकि सेकंड सेकंड का इसको मतलब चाहिए. कैलकुलेटिव है बहुत दिमाग में, बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलता नहीं है, सोचता ज़्यादा है बोलता कम है. तो मतलब थोड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है. आपके? मैं प्रिंस का कैरेक्टर निभा रहा हूँ. प्रिंस एक कॉल सेंटर कंपनी का बॉस है जिसके ये लोग काम करते हैं. बहुत अमीर बंदा है, बहुत सॉर्टेड बंदा है. उसको टिपिकल दिल्ली बंदा से नहीं कहते हैं. बहुत शो ऑफ करता है, BMW घूमता है. बड़ी हॉट गर्लफ्रेंड है उसकी तनीषा करके, NRI है. और सबको अपने आप से नीचा ही समझता है वो, बेसिकली जो अच्छी बात नहीं है ऐसा. एंड बहुत एरोगेंट बंदा है. ऐसा ही है वैसे. Recently, Bollywood ke teen stars yani Tamanna and Tiger ko kya airport pe spot. लगता है किसी को मीडिया से लगता है डर, वरना क्या वजह हो सकती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पिक क्लिक कराने में. बात कुछ यूं हुई कि हाल ही में टाइगर और उनकी को एक्टर दिशा पटानी पेरिस से अपना शूट कंप्लीट करके लौट आए हैं, और दोनों ने एग्जिट एक साथ नहीं की बल्कि अलग अलग. लेकिन ऐसा क्यों किया दोनों ने? क्या दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं या कुछ और बात है? दरअसल दोनों के बारे में मीडिया में काफी रूमर फैली हुई है कि बोथ आर इन रिलेशनशिप, और इसी के चलते दोनों मीडिया से इंटरेक्ट साथ में नहीं कर सके. वही एयरपोर्ट पर तमन्ना भाटिया भी स्पॉट की गई, लेकिन किसी के साथ नहीं. इनके लिए तो गॉसिप ढूंढनी पड़ेगी. एनीवेज, तमन्ना वॉज इन कैजुअल लुक एंड हमेशा की तरह वॉज लुकिंग स्टनिंग. ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी. एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी. फिलहाल बॉलीवुड खबरों में इतना ही. देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.